इस वर्ष भारत को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में देश में अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान चलाकर मनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी आजादी को 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी गौरव यात्रा निकालकर पूरे भारत में आजादी महोत्सव मना रही है। ऐसा ही नजारा मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में भी कांग्रेस द्वारा आजादी गौरव यात्रा पूरे मीरा भाईंदर के साथ साथ काशीगांव में भी कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुखू यादव के अगुवाई में नीलकमल नाके से लेकर ग्रीन विलेज वेस्टर्न पार्क होते हुए दसकुलपाड़ा में जाकर समापन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। सभी को मालूम है कि ये जो वर्ष है 75वां वर्ष है आज़ादी का, आज़ाद हुए हमें 75 साल हो चुके हैं और जो ये घर घर तिरंगा का जो संदेश दिया जा रहा है ये कांग्रेस पार्टी ने 75 वर्ष से देते आ रही है, लेकिन आज़ादी को हत्याने के लिए आज़ादी इन्होंने दिया, मैं नाम नहीं लूँगा कि हम लोग ने आज़ादी दिलाई है, उसका प्रोपगंडा करने के लिए ये घर घर तिरंगा का जो ये हुआ है। तो लेकिन ये जो आज़ादी जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही दिलाई है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ जो थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी और इस आज़ादी को दिलाया, और ये झंडा जो आज हम पकड़े हैं तिरंगा झंडा, ये उन्हीं की देन है। और आज हम इस आज़ाद देश में कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं। जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो आइन दिया है, उसके तहत हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। और वही आज 75वां साल हमको पूरे हो चुके आज़ादी का, और हम पूरे देशवासी उस आज़ादी को आज मना रहे करके, और हमारे आदरणीय सोनिया जी गांधी के आदेश पर जो पूरे हिंदुस्तान में मतलब आज़ादी की जो यात्रा पद यात्रा निकाली गई जन जागृत करने के लिए लोगों को, उसी की एक कड़ी को आज हमने 5 दिन से हम कर रहे हैं आदरणीय मुजफ्फर जी हुसैन के मार्गदर्शन में, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष परम जी सावंत के, और सारे नगर सेवक, सारे पदाधिकारी, सभी सेल के पदाधिकारी हमारे इस पदयात्रा में हाजिर है। और आज हम इसको यहाँ पर समाप्त कर रहे करके कि कल भी हमारी पदयात्रा रहेगी, परसों भी हमारी पदयात्रा रहेगी, और इस तरह से जो भी जन जागृति। अभी आपने कहा कि बीजेपी सत्ता को हथियाने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, घर घर तिरंगा बांट रहे, तो क्या देश के सम्मान के लिए करना गलत है? गलत नहीं, लेकिन जो वो अभी उनको होश आया है, जो 52 साल उन्होंने अपने आरएस झंडा लहराया नहीं अपने नागपुर के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, अब उनको याद आया है कि मतलब घर घर में लगाने का, 52 साल के बाद उन्होंने वहाँ पर अपना झंडा तिरंगा झंडा लहराया था, आज उन्होंने अपना अपना स्टेटस के ऊपर तिरंगा झंडा बनाया, लेकिन कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के ऊपर पास तिरंगा झंडा है, तिरंगा उनके स्टेटस पर है 75 साल से। क्या कहेंगे आप भी साथ में हैं इस बात को लेकर, जो आपका जो सवाल था कि ये हर घर तिरंगा ये प्रोपोगंडा क्या गलत है, तो मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आज़ादी के पहले यही कांग्रेस ही थे जिन्होंने स्वतंत्र सेनानी बनकर आज़ादी दिलाई, उसके बाद में इस तिरंगे का गठन हुआ। तिरंगा जो है ये हमारे मन में, हमारी आत्मा में ये है, पूरे देश की आत्मा जो है वो तिरंगा है। ये आज इस तरीके का प्रोपोगंडा करके के घरों पे चाइनीज तिरंगे लगवा कर ये अपनी आज़ादी, झूठी आज़ादी और पाखंड जो फैलाना चाह रहे हैं, ये इसका विरोध है कि जो भारतीय हैं उनकी आत्मा कांग्रेसी है, और ये इस तरीके का दिखावा करने से या झंडे एक दिन लगा देने के बाद अगले दिन झंडा निकाल देने से कोई देशभक्ति राष्ट्रभक्ति नहीं होती है। ये इस देश की आत्मा तिरंगा है, इस भारतीयों की आत्मा जो है वो तिरंगा है, और वो हम हमारे पूर्वज पिछले 75-80 सालों से पूरी ताकत से लेकर चल रहे हैं, और आने वाले सदियों तक हमारी नस्लें इसको लेकर चलेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये सत्ता से जिस दिन बाहर हो जाएंगे उस दिन ये घर घर तिरंगा ये भूल जाएगा। गाँव में रैली निकाला गया, उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? देश को आज़ादी के लिए बहुत सारे देश के लोग शहीद हुए आज़ादी दिलाने के लिए, ये आज़ादी 2014 के बाद मिली नहीं है, तो बहुत सारे हमारे शहीदों का और स्वतंत्र सेनानियों का योगदान देने के बाद में देश को आज़ादी मिली, फिर वो महात्मा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लोकमान्य तिलक हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके अनगिनत लोग हैं जिनके वजह से अपने को आज आज़ादी मिली है। और आज जाके अगर कोई बोले कि आज घर घर तिरंगा का बात करे तो कोई बात नहीं, घर घर तिरंगा लगाना चाहिए, लेकिन वो पूरे मान सम्मान के साथ लगाना चाहिए। कांग्रेस ने पिछले अनेक सालों से देश के आज़ादी के पहले और देश के आज़ादी के बाद भी अपनी आहुतियाँ देश के लिए दी है, लोग शहीद हुए हैं,
तो आज अगर कोई उसके ऊपर अपना कब्जा बता दे, अपना हक बचाता दे, तो वो हम सुनने वाले नहीं है। आज़ादी की गौरव यात्रा, भारत जोड़ो आज़ादी की गौरव यात्रा, ये जो है कि पिछले 4 महीने पहले जब राजस्थान में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उस समय से ये योजना चली और अभी 15-20 दिन पहले मोदी जी ने उसको अनाउंस कर दिया कि घर घर तिरंगा लगाएंगे। तो ये संकल्पना कांग्रेस की है, देश को आज़ादी कांग्रेस ने दी, देश की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए वो सभी कांग्रेस ही थे, और कांग्रेस के परिश्रमों से, मेहनत से और डेडिकेशन की वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में चल फिर रहे, घूम रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब जी ने जो हमें संविधान दिया उसके ऊपर हमको हर चीज़ का हक दिया, खाने का हक है, हमारा धर्म चुनने का हक है, हमारी नौकरियां करने का हक है, हमको शिक्षण का अधिकार है, ये सभी आज़ादी कांग्रेस की वजह से मिली है। हमने देखा इस रैली में देश के नारे के साथ साथ इनके भी नाम सुखू महाराज जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, क्या कहेंगे भाई? अब जो हमारे नाम से, देश के नाम से नारे लगा रहे हैं, देश की आज़ादी कांग्रेस के तरफ से ही है, पहले से ही कांग्रेसी थे और आज़ाद करने वाले कांग्रेस परिवार के ही लोग थे। जो आज आज़ादी मिली है, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जितने भी ये हमारे शहीद हुए हैं, अपने आप को त्यागे हुए हैं, अपने शरीर को बलिदान दिए हैं, ये आज़ाद करके आज भले देश में नहीं है लेकिन उनका नाम तो है ही है और रहेगा। कोई आज कितना भी झुठलावे, कोई झुठला नहीं सकता है। पहली बात तो आप देख लें कि मैं तो खुला बात करना चाहता हूँ कि आप इस कच्चे रोड पे आपको ले जाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, पक्के रोड तक लेके आता था, लेकिन कच्चे रोड पे ले जाने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको भी ये खबर लगती है कि महापौर की सारी निधि खत्म की है, जा करके पता कर ले, ये रोड को देख लीजिए, ये निधि है, यही खर्चा हुआ है, ये काम कर रहे हैं। ये आज़ादी तो मिली कांग्रेस के ने दिलाया, लेकिन ये आज़ादी को छीनने वाले, ये पहले गोरे थे, गोरे अंग्रेज थे, आज ये काले अंग्रेजों से बचना है तो हम सब पब्लिक को मिलकर के लड़ना है और इनसे आज़ादी पाना है। क्या बताना चाहते हैं लोगों रैली के माध्यम से? देखिए क्या है कि आज एक केंद्र सरकार के द्वारा एक चलाया गया है कि घर घर तिरंगा। अंतर सिर्फ इतना है कि उनका नारा है घर घर तिरंगा और हमारा नारा हर दिल तिरंगा, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा है कि जितने भारतीय हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं तिरंगा है और ये हमें उनके यहाँ ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस आज़ाद भारत में जो भी लोग पैदा हुए हैं उनका एक ही धर्म है, एक ही जात है और एक ही नारा है, तिरंगा हमारा है। और आज इस रैली के माध्यम से हम किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहेंगे। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके आदेशानुसार जैसा हमको कहा गया, हम लोग ये जो है 75वां साल जो है आज़ादी का मना रहे हैं उसके गौरव यात्रा के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये हर दिल तिरंगा अपना एक हम लोगों का ये है मैनिफेस्टो है जिसके आधार से हम लोग हर गली गूचे में जो है तिरंगा गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और काफ़ी सुखद अनुभूति हमें मिल रही है। और हमें उन बलिदानियों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम यह आज़ाद हुए हैं। और जहाँ तक रही तिरंगे की बात, तो लोगों के मन में एक धारणा है कि तिरंगे का रंग 3 है, लेकिन मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि तिरंगे का रंग 5 है। 3 तिरंगा आप देख लेते हैं, एक अशोक चक्र को आप शायद भूल जाते हैं जो ब्लू कलर में बना हुआ है, और 5वां जो है वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। कितनी गोलियां खाई लोगों ने सीने पे अपने और जा करके जब वो रक्त गिरा तब जा करके यह तिरंगा तैयार हुआ। और आज कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि आज़ादी जो है वो अगर ऐसे मिल गई है तो ये उनकी भूल है, हमने बहुत कुछ खोया है। और मैं चाहूँगा कि जो केंद्र में बैठी सरकार है वो भी इस चीज़ के बारे में सोचे और बाकी हम लोग जो है इस क्षण को मनाते हुए बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। भाईचारे के साथ सभी लोग इस देश में रहें और इसी तरह हर वर्ष हम लोग इस त्यौहार को मनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। आज की जो ये रैली है गौरव तिरंगा यात्रा, हम लोग इस उद्देश्य से मना रहे हैं कि हमारे देश में सुख शांति हमेशा बनी रहे, ताकि जो तिरंगा बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो तिरंगा बांट रहे हैं, तिरंगा तो सदियों से है, जब से हम आज़ाद हुए तब से हमारे यहाँ तिरंगा है और तिरंगा लेकर हम चलते हैं, तिरंगा लेकर 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाते भी हैं हम लोग हमेशा। तो तिरंगा घर घर बांट के कोई वो नहीं है, तिरंगा यात्रा हमारे
हाई कमान का आदेश है कि पूरे मीरा भाईंदर में तिरंगा यात्रा किया जाए। इसके माध्यम से हम लोग 9 तारीख से लगातार तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और 15 तारीख तक इसका चालू रहेगा। तिरंगा यात्रा मीरा भाईंदर के अंदर होगा और आने वाले समय में कांग्रेस पक्ष बहुत मजबूती से साथ में तिरंगा यात्रा करते हुए आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।